तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं आया हूँ मानकुर ट्रॉम्बे पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कोली गाँव है, और यहाँ पर आप लोगों झींगा मच्छी और जितने भी वाटर में पानी में रहती है सब आइटम सब देखने मिलेंगे आप लोगों। ये देखो जेवला पड़ा है यहाँ पर, आप देख ही सकते हो यहाँ पर सब महिलाएं काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये रहा मेरा दोस्त, उसके साथ ही आया हूँ, साथ में टाइम पास करते करते ऐसे घूमने निकले थे हम लोग, तो मैं सोचा एक ब्लॉग बना दूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ये देख लो यार, ये देखो यहाँ का गाड़ी है यहाँ पे, पता नहीं इसमें घेर वेर तो लगा नहीं है लेकिन मस्त है गाड़ी। ये देखो यार यहाँ पर पूरा एकता नज़र आएगा आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड ये रहा पूरा जेवला। और यहाँ पर इतना कड़क धूप है ना, और कैसा कैसा आप लोगों को देखने मिलेगा ना, आप लोगों को आगे भी आप लोगों को बहुत सारा चीज़ देखने मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया देखो यहाँ पे लड़का लड़की सब काम करते हैं, क्योंकि ये जो है ये जो एरिया है ये पूरा महाराष्ट्र में आया, और ये पूरा यहाँ पर सब रहते हैं यहाँ पे, मिलजुल के रहते सब, जैसे कि एकता बनी रही। देखो यहाँ पर देखो ना सब काम करते हैं यहाँ पे सब, और यहाँ पर हम लोगों को कभी कभी फ्री में झोला भी मिल जाता है, ठीक है नहीं। ये देख लो यार मेरा दोस्त कुछ बोलना है, देखो यहाँ का कुछ स्पेशल चीज़ बताएगा, शर्मा रहा है अभी थोड़ा, लेकिन यहाँ पर देखो आप लोग ये, लेकिन ये लोग सब धो कर करते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ इशू नहीं है, सब धोकर साफ सफाई से, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ये सब खाने का आइटम है, और असल में मैं भी खाता हूँ और सारे लोग खाते हैं जितने भी हैं। और यहाँ का एरिया देखेंगे ना आप लोग यार, पूरा जंगल जंगल है, और इतना ऐसा एरिया ही है, यहाँ पर रात के टाइम नहीं आ सकते ना, रात के टाइम आएंगे तो यहाँ पे पुलिस वाला यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी रहती, मतलब गार्ड वार्ड खड़े रहते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके ना डर लगता है यहाँ पर आने के लिए। ओए इतना शर्मा रहा है ये कि क्या ही बोलूँ, लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं है, यहाँ पर लाइट सैटेलाइट सब दिया हुआ है, रात के टाइम चालू रहती है, फिर भी यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे नदी पड़ती है, और जहाँ पर आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बोट देखने मिलेगी नहीं क्या ही बताऊँ। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर एक पान पट्टी भी है समझे, वो देखो छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, वो पान पट्टी क्या, क्योंकि यहाँ पे स्मोकर लोग ज़्यादा आते, और जो चोरी चमारी वाले जो रहते वो लोग ज़्यादा आते यहाँ पर रात के टाइम। हाँ दिन के टाइम कोई कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि दिन के टाइम में ना सब बाप बाप होते तो हम लोग खाली चलते जा रहे बस। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे एक सुविधा मिलेगी इतनी कड़क धूप में, क्योंकि वहाँ पर देखो आप लोगों को छांव नज़र आएगा, वहाँ पर हम लोग थोड़ा बैठ सकते हैं आराम कर सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बताना था, पानी यहाँ तक आता है, ये देखो यार बोट यहाँ पर आते हैं, पूरा जंगल एरिया है, वो रही अंदर एक बोट दिख रही है आप लोग, वो सबसे बड़ी बोट है। और यहाँ पर से आप लोग देखोगे यहाँ पर दो रास्ते गए हुए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो रास्तों में से ये रास्ता नज़दीक है, और यहाँ से आप लोगों को अच्छी चीज़ देखने मिलेंगी। ये देख लो यार, आप लोगों को बताया ना मैंने बोट देखी, ये पूरा एरिया ही है नदी एरिया है पूरा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आगे कितनी बोट देखने मिलेगी, हाँ आगे है बहुत सारी, बहुत सारी बोट है, कितनी एक दो रहेगी, नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा बोट है यार, एक दे तो आप लोग को यहाँ ही देखने मिल जाएंगी, एक दो तो, ये देखो यार एक दो तो यहाँ ही देखने मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बोट है आप लोगों को यहाँ पर, सब मच्छी वच्छी पकड़ते ना यहाँ पे मछुआरे लोग, ओ उल्लू के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। ये देखो मैं काफ़ी टाइम बाद आया, कम से कम नए नए बोल के 2 साल के बाद आया रहूँगा यहाँ पर मैं, मैं बोला आप लोग को चीज़ बताना था। ये देखो यार यहाँ पर, यहाँ पर बोट भी बनती है, बोट तैयार होती है, और यहाँ पर नज़ारा देखो यार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड ये झाला है जिसे नेट बोलते हैं, ये नेट से मच्छी पकड़ा जाता है, मच्छी खेकड़ा और
बड़ी बड़ी मच्छी भी पकड़े थे। और यहाँ पर देखो सबकी अलग अलग बोट की निशानी है, जैसी बोट में नंबर प्लेट होता है, जैसी गाड़ी में नंबर प्लेट होता है, ट्रक पे नंबर प्लेट होता है, वैसे बोट में भी आपको नंबर प्लेट देखने मिलेगा यहाँ पर। और ये रही इतनी बड़ी बोट, और यहाँ तक रात ना पाओगे, यहाँ पर इतना लंबा पानी आता है ना कि क्या ही बताओ आपको, बहुत आगे तक पानी आ जाता है। ये देख लो यार, सब बोट पे ऐसा कुछ इशू नहीं है यहाँ पर, बोट अगर चोरी हो गई, गायब हो गई, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सब बोट पे आप देखना चाहोगे ना यहाँ पर, आप लोग वो छोटी से छोटी बोट पे भी आपको नंबर प्लेट आपको दिखाई देगा। पूरा पीछे बोट का नज़ारा है, ये देख लो यार चंद्रभाग, ये देखो बोट में सबका नाम है यहाँ पर, सब बोट एक जैसे ही है, लेकिन क्या है ना सब बोट पे कलर पेंट सब चढ़ा हुआ है। और वो रही सब में बड़ी बोट, मानना पड़ेगा। सुबह के टाइम निकलते रहेंगे ना भैया, सुबह सुबह घंटा है 3-4 बजे के टाइम निकलते रहेंगे। ये देखो ये भाई भी हमारे साथ आए ले, और कितने टाइम बाद आ रहेगा, एक एक दो दो महीने, एक दो महीने बाद आया, और मैं कम से कम 1 साल के बाद आया हुआ यहाँ पर। आप लोगों को दिखाना था यहाँ पर, देखो यार लेकिन क्या पूरा कीचड़ कीचड़ है अभी यहाँ पर, अभी भर्ती चढ़ी नहीं है, भर्ती चढ़ेगी तो आप लोगों को ये सब बोट है ना आपको वहाँ पर नजर आएगी एकदम, तो जो बड़ी बोट दिख रही है वहाँ पर, ये आधी बोट नहीं, आधी बोट कम ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को। बाकी एरिया बहुत अच्छा है, ये सब जो चिकड़ चिकड़ रहता है ना इसमें ज़्यादा करके खेकड़े नजर आएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी इतनी फिलहाल दिख नहीं रहे, दिखे नहीं। देखो यार नज़ारा देखो यार, एकदम कोई है नहीं यहाँ पे, हम लोग दोनों के अलावा तो कोई है भी नहीं यहाँ पर। देखो बोट पर गंगा भी लहरा रहा है, वहाँ देखो यार वहाँ का नज़ारा बहुत अलग है, चलो वहाँ जाते, चला जा जाकर दिख कर आते, थोड़ा आराम से आओ अंडे, पूरा कीचड़ है, हम लोग पूरा रस्सी रस्सी कूदो कूद के जाना पड़ता है, भर्ती अभी चढ़ने वाली है। और यहाँ देखो मैंने बोला ना झोला जो आगे जो सूख रहा था वो इसी का है, इसमें ही लेकर आते, देखो इसी में लेकर आते, बहुत गिला गिला रहता है, और यहाँ पर लेकर आए जब तक का तो सूख जाता है। और यहाँ पर इतना कीचड़ है ना, हम लोग फिर भी चप्पल पहन कर आए ले कि स्लिप हो जाएंगे एकदम। देखो यार ये अभी तैयार हो रही है, और यहाँ पर देखो यार डॉगी एकदम आराम कर रहा है, और ये देखो यार तैयार हो रही है बोट यहाँ पर, अभी इसका भी फिलहाल काम चालू है शायद से, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उतराने और चढ़ाने, यहाँ पर देख सकते हो। और ऐसा बोट को बांध के रखते हैं कि कितनी भी भर्ती आवे लेकिन बोट जाने वाली नहीं कहीं पर भी, वो टाइट बांध के रखते रहेंगे ना वे। और यहाँ देखो यार इसकी ये वाली बोट की कम से कम कितनी रहेगी ये वाली बोट की, 4 गुना रहेगी ना, 3 गुना 4 गुना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है कम से कम, एक एक बोट बनते हैं 1-1 लाख रुपए की रहेगी ना वो वाली बड़ी वाली, कितनी गिरेगी मेरे ख्याल से, नहीं नहीं बोल के 4-5 लाख रुपए की बोट रहेगी मेरे ख्याल से, वो इतनी बड़ी वाली उसके अंदर घर ही 4-5 लाख करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यही बोट अगर लेने जाओगे आप यहाँ पर आकर और बनाने भी जाओगे, नहीं नहीं बोल के यही बोट आप लोगों ना कम से कम 1-2 लाख में पड़ जाएगी। और ये इतनी बड़ी बड़ी बोट जो है जो अभी निकल गई होगी, ये देखो यार 40-50 लाख के ऊपर ही रहेगी वो, क्योंकि इसके अंदर सुविधाएं देखो यार कितनी, और कितनी सारी मच्छी इसमें पकड़ी जा सकती है। और एक वही बात है अपना इंडियन फ्लैग भी वहाँ पे लहरा रहा है, कोई भी बोट में आप देखोगे ना इंडियन फ्लैग लहरा है। हम लोग वहाँ से अभी अंदर जाने का मौका नहीं मिला, मतलब लेते हैं वहाँ से अंदर भी आप जा सकते थे, आप लोगों को दिखा सकते थे बैठ कर। और यहाँ पर इतनी कड़क धूप है ना आप खुद देख सकते हो भाई यार, पूरा पसीना पसीना आ रहा है। और मैं बोला ना भर्ती चढ़ती है, भर्ती यहाँ से आते हैं, यहाँ से चढ़ती है भर्ती। और ये फिलहाल देखो यार पूरा जो अपना घूमता है मशीन वो पूरा कीचड़ में धस गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा करके विसर्जन भी होता है यहाँ पे, लेकिन देखो ये देख लो यार सब बोर्ड ऐसा छिपक के खड़ी ली, अगर एक बाहर जाएगी तो सब एक साथ बाहर निकल जाएगी, नहीं तो कोई नहीं निकलेगी। और इसका जो पीछे दिया है ना वो ब्रेक दिया हुआ है ये वाली बोर्ड के पीछे, ये बोट को कंट्रोल करने के लिए। नज़ारा देखो यार यहाँ का यार व्यू।
दिन के बाद मैंने ब्लॉग बनाया था, मैं बोला चलो बनाते, आप लोगों को एक नज़ारा बताना चाहता था कि मानकुर महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे में आप लोगों को ये भी आप लोगों को देखने मिले, यहाँ पर का अभी तक का एक भी वीडियो नहीं आया है। आप लोगों को बताना था कि यहाँ पर भी कोई ऐसी प्लेस है जो आप लोगों को कुछ देखने मिलेगा, नया देखने मिलेगा। ये सब में ज़्यादा अच्छी लगी, फेवरेट बोट लगी मुझे, बड़ी भी और बाकी सब छोटी छोटी है, छोटी 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 छोटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना, अपना प्यार दिखाइए, ठीक है।